हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश मैकेनिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारे पास यामा आरएक्स 135 आई हुई है, जिसमें इंजन का साउंड आ रहा है और उसका हम इंजन डिसमेंटल करेंगे और देखेंगे उसमें क्या ख़राब है और उसको सही करेंगे। तो गाड़ी का काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ, इसमें किस तरीके का साउंड आ रहा है और किस चीज़ का आ रहा है वो फिर मैं आपको खोल के बताऊँगा और उसको कम्प्लीटली सही करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर पिस्टन सीज होने का साउंड आ रहा है और ये टू स्ट्रोक गाड़ी है, तो इसके अंदर पेट्रोल में ऑयल डलता है और शायद कस्टमर ने पेट्रोल में ऑयल में लापरवाही कर दी, इस वजह से इसका पिस्टन सीज हो गया है। तो बिना देरी करते हुए इसके फटाफट से हेड सिलेंडर खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमने गाड़ी का हेड सिलेंडर खोल दिया है और इसकी क्रेंग अभी बिल्कुल ओके पोजीशन में है, इसलिए इसका हम हाफ इंजन का ही काम करेंगे। और ये इसका सिलेंडर ब्लॉक है और ये इसका पिस्टन है जो कुछ इस तरीके से निकला था। ये सीज मार गया पिस्टन, यहाँ से सीज मारने की वजह से, पेट्रोल में ऑयल कम होने की वजह से ये सीज मारा है, इस वजह से ये ख़त्म हो गया है। और ये दोनों तरफ से इसमें लाइन पड़ी हुई है और पिस्टन सिलेंडर में कितना लूज है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिस्टन इसमें डालते गिर रहा है दोस्तों, ये देखिए। कुल मिला के इसका पिस्टन डैमेज हो चुका है, अब इसका पिस्टन रिप्लेस करेंगे। तो फटाफट से सिलेंडर को खैरात वाले के ले जाते हैं और इसमें पिस्टन बोर करा के लाते हैं और इसमें नई पैकिंग है, गजन पिन का बेरिंग और पिस्टन रिंग के साथ इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको स्टार्ट करके आपको इसका साउंड सुनाएंगे, जो पहले जिस तरीके का साउंड आ रहा था वो काम होने के बाद किस तरीके का साउंड आता है। तो अब सीधा मिलते हैं इसकी फिटिंग के समय। तो फाइनली दोस्तों, इसका पिस्टन बोर हो चुका है सिलेंडर के अंदर और ये हमारा नया पिस्टन है जो कि जीटीपी कंपनी का है, गॉड्स का पिस्टन है ये। और ये इसकी क्रेंग की पिन है ये पिस्टन की, और ये इसका लॉक है और एक लॉक हमने इसके अंदर ऑलरेडी बैठा दिया है। इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर दो रिंगें लगती है और दोनों रिंगों का मुंह कार्बोरेटर की तरफ रहता है और साथ में ये एक इसकी हेल्पर रिंग है जो पिस्टन के नीचे वाले ग्रूव के अंदर लगती है, यानी ये हेल्पर रिंग पहले लगेगी फिर उसके ऊपर रिंग लगेगी। तो चलिए रिंगें इंस्टॉल करते हैं और फिर इसमें पैकिंग लगा के सिलेंडर को बैठाते हैं। और ये इसका गजन पिन का बेरिंग है जो कि नया डलना चाहिए जब भी इसमें पिस्टन डले, ये कुछ इस तरीके से लगता है, इस तरीके से वर्क करता है दोस्तों ये। तो चलिए फटाफट से रिंगें इंस्टॉल करते हैं और फिर सिलेंडर को बैठाते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, ये एक रिंग का इंस्टॉलेशन हो गया है और नीचे वाले ग्रूव के अंदर जो हमने रिंग लगाई है उसके नीचे हेल्पर रिंग लगा दी थी और पिस्टन पे ये यहाँ एक बिंदु बना हुआ है, इस बिंदु की तरफ इसकी मार्किंग रहती है। ये दूसरी रिंग में इंस्टॉल कर देते हैं हम इस तरीके से, ये हमारी रिंग इंस्टॉल हो गई है। अब रिंग की पोजीशन किस तरीके से रखी जाती है वो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा नया मोबिल लगा देते हैं, दोस्तों इसमें पिस्टन के ऊपर डॉट बना हुआ रहता है, उन डॉट के ऊपर रिंगों का मुंह रखना होता है जो कि हमने रख दिया है। और पिस्टन के ऊपर ये एरो का निशान है, ये एरो का निशान है आपको दिख रहा होगा, और ये 75 नंबर का इसमें पिस्टन डला है। तो चलिए इसको फटाफट लगाते हैं और ये एरो का निशान साइलेंसर की तरफ रखते हुए
पहले रिंग पिस्टन को सिलेंडर के अंदर बैठाएंगे और फिर इसको गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा इजीली बैठ गया है दोस्तों। ये हमने पैकिंग लगा दी है, अब इसका गजन पिन का बेरिंग लगाना है, उसमें हल्का सा नया मोबिल लगा के इसको इंस्टॉल करते हैं रिंग की कनेक्टिंग रॉड के अंदर कुछ इस तरीके से। ये दोस्तों इसका रीड वाल है, तो सिलेंडर को लगाने से पहले इसका रीड वाल भी सिलेंडर के अंदर फिट कर देते हैं। इसमें ये इसकी नई पैकिंग लगेगी कुछ इस तरीके से, ये लगता है दोस्तों। इसके बाद इसकी ये पैकिंग लगेगी रीड वाल के ऊपर। दोस्तों ये डायफ्राम लगाया और अब इसके ये चार बोल्ट लगेंगे 10 mm के, ये लगा के टाइट कर देते हैं, फिर सिलेंडर को फिट करना बाकी रह जाएगा। दोस्तों ये इसके चारों बोल्ट कस दिए हमने, अब इसको बैठाते हैं हम सिलेंडर को हमारे क्रेन के अंदर कुछ इस तरीके से। दोस्तों हमारी गजन पिन भी बैठ चुकी है, अब इसका लॉक लगाना है, तो पहले हम कपड़ा लगाएंगे यहाँ थोड़ा सा और फिर उसके बाद इसका लॉक बैठाएंगे। तो दोस्तों ये लॉक भी हमारा बैठ चुका है। दोस्तों ये अब इसको हल्के हाथ से नीचे करते हुए इसको बैठाना है और बस ये आराम से बैठ जाएगा। दोस्तों फाइनली ये सिलेंडर इंस्टॉल हो चुका है और अब हम पिस्टन को किक लगा के देख रहे हैं। चला। ये पिस्टन हमारा वर्क कर रहा है, फटाफट से इसके सिलेंडर की चार डेब्रिया लगा के इसको टाइट कर देते हैं, फिर उसके बाद ऐड की पैकिंग लगा के ऐड कसेंगे इसका। तो दोस्तों ये हेड की गैसकेट भी हमने लगा दी है, अब इसका हेड लगाएंगे और उसको टाइट करेंगे। ये इसका हेड है। ये हमारा हेड भी इंस्टॉल हो गया है, फटाफट से इसके वाशर और बोल्ट लगा के इसको टाइट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली इसकी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, सिलेंडर और हेड और हमने फिट कर दिया है, साथ में इसका स्पार्क प्लग भी हमने लगा दिया है और पीछे से कार्बोरेटर की भी फिटिंग कर दी है। साइलेंसर लग रहा है और साइलेंसर लगने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे और फिर इसको आपको इसको इसका साउंड सुनाएंगे, इसमें किस तरीके का साउंड पहले आ रहा था और अभी काम होने के बाद किस तरीके का आ रहा है। तो चलिए अब साइलेंसर लगने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों कम्प्लीटली ये गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है और साइलेंसर की फिटिंग भी हो चुकी है और बाकी की पूरी फिटिंग हो चुकी है। अब फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और फिर आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं एक बार। ये इसका साउंड है दोस्तों, जो कि यामा के अंदर जिस तरीके का साउंड आता है उसी तरीके का ये साउंड है। तो फाइनली हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको साइड में खड़ी करते हैं और थोड़ी देर इसको स्टार्ट रखेंगे और पेट्रोल में ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये टू स्ट्रोक गाड़ी है इसलिए इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल में ऑयल का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसमें पेट्रोल में ऑयल मिला के इसको साइड में रखते हैं और थोड़ी देर इसको चलने देंगे जिससे हमारा इंजन रवा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया कि यामा RX 135 की हाफ इंजन की फिटिंग किस तरीके से करी जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना चाहेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की नॉलेजफुल और दिलचस्प वीडियो हम हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।